जय हिंद, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीजे क्रिक लाइव में। आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2023 का ये पहला क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की बात करें, फिलहाल के लिए ये मैच 23 मई को चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, दोनों टीमें किस प्रकार से अब तक के आईपीएल मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस की है वो सारी चीज़ें बताएंगे। और फिलहाल के लिए दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो गुजरात और चेन्नई दोनों ने पिछले जो अपने 5-5 मैच खेले हैं दोनों ने 2-2 मैच हारे हैं और 3-3 मैच जीती हैं। दोनों ने फिलहाल के लिए पिछले मैच जीते हुए हैं, उससे पहले दोनों ने अपने मैच हारे थे और उससे पहले लगातार दोनों टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं और उससे पहले एक मैच दोनों टीमों ने अपने हारे हैं। फिलहाल के लिए ये तो दोनों टीमों के पिछले परफॉर्मेंस की बात है। अगर गुजरात की टीम की बात करें तो गुजरात की टीम में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव रही हैं। अभी इस सीज़न की बात करें तो इस सीज़न में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिली हैं, जिसमें कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन गुजरात की तरफ से काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते नजर आए। रिद्धिमान साहा कुछ मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, कुछ मैचों में फ्लॉप जरूर रहे, लेकिन सुमन गिल ने काफ़ी सारे मैचों में बढ़िया परफॉर्मेंस किया, सेंचुरी भी लगाई है और टीम को अधिकतर मैचों में जिताया है फिलहाल के लिए। उसके अलावा हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी सबसे बड़ी पॉजिटिव गुजरात की टीम के लिए रही और हर मौके पर गुजरात की टीम के लिए बहुत बढ़िया कैप्टनसी फिलहाल के लिए हार्दिक पांड्या ने की। उसके अलावा बैटिंग में बात करें तो डेविड मिलर ने काफ़ी सारे मौक़ों पर अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ मैचों में साई सुदर्शन ने बढ़िया टीम को जीत दिलवाई थी। विजय शंकर ने शुरुआती टूर्नामेंट में 4-5 मैचों में अच्छे परफॉर्मेंस करते नजर आए, मैच को जितवाया भी था। उसके अलावा लोअर ऑर्डर में बात करेंगे तो फिलहाल के लिए राहुल तेवटिया ने अच्छे फिनिशर का रोल अदा किया और आखिरी ओवर्स में आकर के कई सारे मैचेस भी जिताए हैं। उसके अलावा बात करेंगे बॉलिंग में तो दो बॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुजरात के लिए होने वाले हैं और दोनों ने मिल करके काफ़ी सारे विकेट्स लिए हैं इस सीज़न में। अगर बात करें गुजरात की तरफ से मोहम्मद शामी की तो मोहम्मद शामी काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, लगातार मैचों में विकेट्स निकालते रहे। उसके अलावा राशिद खान, दोनों फास्ट बॉलर और स्पिनर्स रीड की हड्डी बने हुए हैं गुजरात की टीम की, दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस सीज़न में किया है। कुछ मैचों में अल्जारी जोसेफ, नाथन एलिस ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। उसके अलावा यश दयाल थोड़े से यहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स रहे थे, जिसमें कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बाकी के मैचों में यश दयाल ने भी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, जब यश दयाल ने पिछले मैचों में वापसी करी वहाँ भी विकेट चटकाए, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। अगर चेन्नई की टीम की बात करें तो चेन्नई की टीम में काफ़ी सारे पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चेन्नई के सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे तो चेन्नई की तरफ से जो ओपनर डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लगातार मैचों में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खास करके चेन्नई जैसी पिच पर जहां स्लो विकेट होती है वहां पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा बात करेंगे चेन्नई की तरफ से टॉप ऑर्डर में तो चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अजिंक्य रहाणे शुरुआती टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स बनाते रहे थे, जो काम रैना करते थे वो काम इस समय अजिंक्य रहाणे इस टीम में करते हुए नजर आए हैं। लोअर ऑर्डर की बात करेंगे तो शिवम दुबे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कई सारे मौक़ों पर उन्होंने किया है, टीम को जीत भी दिलवाई, काफ़ी तेज़ी से रन्स बनाते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते रहे हैं, काफ़ी सारे मैचों में विकेट्स भी लिया है और उसके अलावा रन्स भी बनाए, नंबर वन ऑलराउंडर इस समय रविंद्र जडेजा बने हुए हैं पूरे टूर्नामेंट में। उसके अलावा बात करेंगे कैप्टेंसी की तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी काफ़ी अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में, घर के बाहर जा करके भी मैच जीते हैं, घर पर भी मैच जीते हैं, कुछ मैचेस घर पर हार का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कि राजस्थान पंजाब जैसी टीम ने चेन्नई को उसके होम ग्राउंड पर हराया भी है। उसके अलावा बात करेंगे इस टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो काफ़ी अच्छा बॉलिंग डिपार्टमेंट इस समय तुषार देशपांडे जब आए बॉलिंग करने के लिए बहुत बढ़िया बॉलिंग उन्होंने किया और चेन्नई की तरफ से काफ़ी सारे विकेट्स भी लिए हैं, लगभग 20 के आसपास विकेट्स लिया है। उसके अलावा दीपक चहर जब वापसी करी है टूर्नामेंट में उन्होंने भी काफ़ी सारे मैचों में विकेट लिया, पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां पर 3+ विकेट भी लिया था। उसके अलावा मथीसा पथिराना की बात करेंगे, श्रीलंकाई बॉलर काफ़ी अच्छे अपने खास एक्शन के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी सारे मैचों में डेथ ओवर्स में बहुत बढ़िया बॉलिंग करी, डेथ ओवर्स में मैच को जितवाया भी है चेन्नई की टीम को। उसके अलावा निगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो इस टीम में काफ़ी सारे निगेटिव पॉइंट हैं और काफ़ी सारे वीकनेस हैं, जिसमें कि मोइन अली, उसके अलावा अंबती रायडू अब तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं कर सके हैं और महेश तीक्ष्णा की बात करेंगे, चेन्नई जैसी स्लो पिच पर भी उन्होंने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो ये सारे यहाँ पर थोड़े से निगेटिव पॉइंट चेन्नई की टीम की तरफ जाते हैं। अब बात करेंगे कौन सी टीम यहाँ पर फिलहाल के लिए क्वालिफायर जीत करके फाइनल तक का सफ़र कर सकती है पहले अटैम्प्ट में, और क्योंकि क्वालिफायर जो टीम हारेगी वो सेकेंड क्वालिफायर खेलेगी एलिमिनेटर फर्स्ट मुकाबला जीतने वाली टीम के साथ। तो फिलहाल के लिए इस समय बात करेंगे चिन्नास्वामी चिदंबरम स्टेडियम की, चिदंबरम स्टेडियम फिलहाल के लिए चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी सारे मदद रहते हैं। वैसे गुजरात की टीम में भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं और राशिद खान सबसे पहले नंबर पर आते हैं, स्टंप टू स्टंप विकेट बॉल करते हुए नजर आते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे विकेट्स चटकाते हैं, गुगली बहुत
बहुत ज़बरदस्त रहती है राशिद खान की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा गुजरात के लिए कि उसके पास राशिद खान जैसे बॉलर हैं जो कि चिदंबरम स्टेडियम में काफ़ी अच्छे विकेट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा इस समय फिलहाल के लिए चेन्नई के पास हैं जो कि विकेट्स निकाल सकते हैं। मोइन अली भी काम आ सकते हैं, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस उनका इस सीज़न में निकल करके अभी तक आया नहीं है। फिलहाल के लिए कैप्टेंसी की बात करेंगे तो दोनों कैप्टन इस समय काफ़ी अच्छे कैप्टेंसी अपनी अपनी टीमों के लिए करते नजर आए हैं, लेकिन चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर इनके जो ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे हैं बहुत बढ़िया इस सीज़न परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं। काफ़ी सारे मैचों में बढ़िया रन्स भी बनाए हैं, स्कोर भी किए हैं, तो इस वजह से चेन्नई के जीतने के चांसेस लगभग 60% बनते हैं और गुजरात के जीतने के चांसेस 40% बनते हैं। फिलहाल के लिए पिच रिपोर्ट की वीडियो मेरे चैनल पर जल्द ही आ जाएगी, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।